जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पटना जिला के बारे में। पटना जिला जो बिहार का एक जिला, आप लोग को कल हम बताया थे बिहार में टोटल 38 जिले हैं जिसमें से पटना भी एक जिला है। तो पटना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जीके क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे, जीके एनजीएस को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले ये हमारा बिहार का मैप है, ये बिहार के मैप में पटना कहाँ इसको देखिए। तो हमारा जो पटना ये है बिहार के मैप में, इधर पटना है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा भारत कहाँ पड़ता है, बिहार में इस साइड पड़ता है। चलिए हम लोग पटना को देखते हैं। पटना यहाँ पर, पटना का मैप है। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलिए तो पटना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कौन कौन से इसके जिला जो पटना से सटे हुआ इसके चौड़ी में, यहाँ देखिए लखीसराय है, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण और सिवान। टोटल 9 जिले ऐसे हैं जो किससे लगा हुआ है, पटना से सटा हुआ। तो पटना क्वेश्चन आता रहता है पटना से कितने जिला सटा हुआ, तो टोटल 9 जिला। और वो कौन कौन सा जिला है, तो पहला क्या है सारण जिला। कौन है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। टोटल 9 जिले हैं जो किससे सटा हुआ, पटना से सटा हुआ। पटना से कितना जिला सटा है बिहार के, तो टोटल 9 जिले। चलिए अब हम देखते हैं पटना के प्रमुख प्राचीन नाम कौन कौन सा था, पटना के टोटल नाम कौन कौन सा था। तो पटना का जो पहला जो नाम था वो था पाटलीग्राम। तब कहा गया एक गाँव था जिसका नाम था क्या, पटली, उसीलिए उसका नाम कहा पाटलीग्राम। इसको पाटलिपुत्र भी कहा गया, पाटलीपट्टन भी कहा गया। कुसुमपुर, एक फूल था जिसका नाम था पाटलीपुर में एक फूल पड़ा जिससे इसका नाम पड़ा पाटलीपुर। कुसुमपुर भी फूल का नाम, पुष्पुर भी पड़ा। अजीनाबाद भी पटना का नाम पड़ा, बालीब्रोथा भी पड़ा पटना का। और वर्तमान में भी कौन सा नाम से जाना जाता है, पटना। वर्तमान में अपना पटना किस नाम से जाना था, पटना के नाम से ही जाना जाता है। पटना के अलग अलग नाम हुए अलग अलग समयों में। अब लोग देखिए पटना के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, तथा पटना का भौगोलिक स्थिति क्या है। पहले हम लोग देखते अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पटना का कितना है। तो ये 25 डिग्री 12 मिनट से लेकर 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो अक्षांश क्या होता है, मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पर जो ऐसा वाला जो लाइन रहता है वो देशांतर का लाता है। ग्लोब पे जो ऐसा ऐसा वाला जो लाइन होता है वो अक्षांश का लाता है। तो इसका अक्षांश कितना है, इसके जो टोटल जो अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 12 मिनट से लेकर 25 डिग्री 44 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। अब देशांतरीय विस्तार, तो ये 84 डिग्री 42 मिनट से लेकर 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है इसका देशांतरीय विस्तार। बात कीजिए पटना का तापमान कितना होता है, तो पटना में जो टेम्परेचर जो अधिकतम होती है, हाइएस्ट टेम्परेचर वो 46.6 डिग्री पर सेल्सियस और न्यूनतम होता है 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। अर्थात गर्मी के मौसम में इसका जो टेम्परेचर पटना में कितना हो जाता है, 46.6 डिग्री सेल्सियस, और ठंडी के मौसम में इसका न्यूनतम हो जाता है कितना जाता है, 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। बात कीजिए इसमें पटना में औसत वर्षा कितना होता है सालाना, तो 1052.6 मिलीमीटर, यहाँ क्या होगा मिलीमीटर। पटना में जो वर्षा कितना होता है ये जान दीजिए, मिलीमीटर पटना में वर्षा होता है। चलिए अगला देखते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई पटना की कितनी है। तो पटना की जो ऊंचाई समुद्र तल से है वो 53 मीटर, समुद्र तल से कितना 53 मीटर है पटना। मिट्टी की बात कीजिए तो यहाँ पुरानी तल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पटना में कौन सा मिट्टी, पुरानी तल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पटना। अब हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पटना में कितना जनसंख्या था, उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पटना का जो जनसंख्या था टोटल था 58,38,465। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना का टोटल जनसंख्या कितना था, 58,38,465। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रति एक किलोमीटर पर कितना व्यक्ति रहा, 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रह रहा है। जनसंख्या घनत्व अर्थात एक किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात यहाँ कितना है, तो 897 प्रति 1000 पुरुष में, अर्थात 1000 पुरुष में कितना महिला है,
तो 900-897 ही है, लिंग अनुपात पटना में कम है। साक्षरता दर की बात किया जाए तो बिहार के जो पटना में, पटना है इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी भी कहाँ, बिहार की राजधानी भी पटना, इसका साक्षरता दर कितना 70.7%, बिहार की साक्षरता दर 70.7% है। पुरुष का साक्षरता दर बिहार में पटना में कितना है तो 78.5% पुरुष की साक्षरता दर, और महिला की कितना 60.0% है। यहाँ की बात की पटना में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है तो पटना में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है वो कौन सी, हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली और उर्दू और मगही है। मतलब पटना में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू और मगही यहाँ की प्रमुख बोली है। चलिए हम लोग देखते हैं पटना की प्रमुख उद्योग कौन कौन सी है, पटना में कौन कौन से उद्योग हैं। तो पटना के प्रमुख उद्योग की बात किया जाए तो यहाँ जो प्रमुख निम्न उद्योग है, चीनी उद्योग पटना के कहाँ, बेहटा में है, बिस्कुट उद्योग पटना में है, बल्ब उद्योग है, ट्रैक्टर उद्योग है, सिंदूर उद्योग है, सिंदूर बनाने लड़की लोग लगाती है शादीशुदा औरत, गुलाल रंग का पटाखा पटना में बनाया जाता है, पटना सिटी में फटाका बनाया जाता है, जूता दीघा तथा मोकामा में जूता उद्योग है पटना में, मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का उद्योग मोकामा में ही लगा हुआ, कागज उद्योग पटना में है, शराब चमड़ा उद्योग दीघा पटना में है, ये सब वहाँ के, तंबाकू उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तो ये सब पटना के प्रमुख उद्योग हैं, मतलब है थोड़ा मोड़ा उद्योग पटना में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल, पटना का क्षेत्रफल कितना है तो पटना के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है 3202 किलोमीटर, 3202 वर्ग किलोमीटर, इसको हम लोग किलोमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। पटना का क्षेत्रफल कितना है 3202 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की प्रमुख नदियाँ, पटना की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है तो यहाँ जो प्रमुख नदी है गंगा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ कहाँ की, पटना की। बात कीजिए प्रशासनिक विभाजन की, बात कीजिए पटना का कैसा प्रशासनिक व्यवस्था है तो पटना की बात कीजिए, इसका मुख्यालय पटना ही है, पटना एक प्रमंडल है, इसमें इसका मुख्यालय पटना ही है, प्रमंडल भी पटना है, मुख्यालय भी पटना है। अनुमंडल की बात कीजिए तो पटना में टोटल 6 अनुमंडल है, पटना में कितने अनुमंडल है, 6, पटना सदर, सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज। मतलब पटना में कितने अनुमंडल है, टोटल 6 अनुमंडल है, जिसमें पटना सदर है, सिटी है, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज यहाँ के प्रमुख अनुमंडल है। बात कीजिए कुल प्रखंड की बात किया जाए तो पटना में टोटल कितने प्रखंड है तो पटना में टोटल 23 प्रखंड है। पटना में कितने प्रखंड है बच्चा, 23 प्रखंड है। पहला क्या, पटना सदर, दूसरा फुलवारी शरीफ, संपत चक, फतुहा, खुसरूपुर, नदिया, दनियावा, बाढ़, बख्तियारपुर, बेछली, बेलछी, थमल गोला, मोकामा, पंडारक, घोसल, घोसवारी, बेठा, मनेर, दानापुर, नौबतगंज सही है, मसौढ़ी, धनौरा, पुनपुन, पालीगंज, विक्रम, दुल्हिन बाजार। यहाँ टोटल कितने प्रमंडल है बिहार में, सॉरी पटना में कितने प्रमंडल प्रखंड है तो यहाँ टोटल 23 प्रखंड है। पटना में कितने प्रखंड है, 23 प्रखंड, और मंडल 6 है, और प्रमंडल भी यहाँ पर एक ही है, उसका मुख्यालय भी कहाँ, पटना में ही है। अब हम लोग जानते हैं टोटल कितने प्रखंड हुए वहाँ पर, 23। पटना में कितने प्रखंड है, 23। अब हम लोग देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात किया जाए तो यहाँ अगम कुआ है, पटना में क्या है, अगम कुआ है, मकलदह है, पटना में अगम कुआ, मकलदह, पटना में जैन मंदिर भी है, दराखी मंदिर भी कहाँ है, पटना में एक दर्शनीय स्थल है, छोटी पटन देवी मंदिर पटना स्टेशन जंक्शन के पास ही, छोटी पटन देवी मंदिर, कुम्हरार, पंच पहाड़ी वहाँ एक दर्शनीय स्थल है, छोटी पहाड़ी वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, मनेर शरीफ, पटना में गोल घर भी है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, शहीद स्मारक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब कहाँ है, ये सब पटना के दर्शनीय स्थल है जो वहाँ के लोगों को तथा साथ साथ दूर दूर के व्यक्ति वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ पटना हमारे बिहार की क्या है, राजधानी भी है, पटना में ही है विधानसभा,
मुख्यमंत्री सभी कहाँ रहते हैं? सब पटना में ही रहते हैं। आशा करते हुए वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नए जिले के साथ मिलेंगे। पहला जिला आज हम लोग पढ़े क्या, पटना जिला। टोटल हम लोग 38 जिला को पढ़ेंगे, एक एक करके पूरे जिलों को देखेंगे। फिर इस जिले से जो पूछा गया क्वेश्चन, जो भारत के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बिहार के पूर्व जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार बीपीएससी, अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार से, जिला से संबंधित, वो सब को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग किसको ख़त्म किए? पटना जिला को। कल हम लोग एक और जिला के साथ मिलते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।